हसन बिन रहमान को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, हसन बिन रहमान को सब्सक्राइब करे। हजार अबुआ। वैसे आज सुबह मेरा साइकिलिंग पे जाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, हालांकि डिसाइडेड था कि आज मैं साइकिलिंग ज़रूर करूंगा, लेकिन तो मैंने सोचा बैठे बैठे इसी तरह मोबाइल में ज़ॉम्बीज़ कॉलिंग करता रहूंगा। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि भाई चलो यार साइकिलिंग पे ही चलते हैं। तो भाई अभी जो आपने विजुअल्स देखे फुल बॉक्सिंग इन एक्शन चल रहे थे, तो वो जो है नौजवान मोहिबुल्ला भाई के स्टूडेंट्स हैं, मोहिबुल्ला भाई। और मोहिबुल्ला भाई का ताल्लुक जो है कोचिंग से ही है, वो इस चीज़ में बच्चों की कोचिंग करते हैं। और बाकी मैं चाहूँगा मोहिबुल्ला भाई इस हवाले से अपने बारे में ख़ुद बताएं। मोहिबुल्ला भाई ये माइक आप पकड़िएगा, और कितने स्टूडेंट्स हैं, कहाँ पर एकेडमी, कितनी फीस है, इस बारे में बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैसे कि आपने जिक्र किया मोहिबुल्ला नाम है मेरा, और मैं ये पिछले 20-25 साल से ये फॉलो करते आ रहा हूँ मिक्स मार्शल आर्ट को। और या इसके अलावा हमारा 3GMMA के यहाँ पर क्लब भी है, और सर नदीम और आविज़ भाई का माशाल्लाह उसकी बदौलत से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ पर, शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का। और वहाँ पर जिम भी है, बहुत सारे सामान भी है वहाँ पर, तकरीबन 6-7 क्लासेस हो गए, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, MMA, मिक्स मार्शल आर्ट सब है, किकुशान, मुए थाई, इसमें सब कुछ, तकरीबन 200-300 के आसपास शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा कि यार आप लोग खड़े हुए हैं और ये अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नौजवान मुझे बहुत कम दिखे। ये मैसेज देना चाहूँगा सर जवानों को कि आ जाए, अपने एक्सरसाइज कर ले, सुबह सुबह अपने लिए टाइम निकाल ले, थोड़ा सा वार्म अप, जॉगिंग, रनिंग वगैरह किया कर, अपने सेहत का ख्याल कर ले। आप लोग जब तक जान है तो जान है, वरना आपको पता है सेहत सही नहीं तो कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। तो मोहिबुल्ला भाई से मेरी ये जो है ना रिक्वेस्ट है कि मोहिबुल्ला भाई मुझे एकेडमी भी बुलाए अपनी, और मुझे अच्छा लगा कि एकेडमी में आके। तो मोहिबुल्ला भाई एक दफ़ा एकेडमी का एड्रेस बता दिएगा और नाम दोबारा दोहराइएगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आएगा नाम। जी जी बिल्कुल, गुलशन इकबाल, सर सैद यूनिवर्सिटी के बराबर में हॉकी ग्राउंड, 3GMMA के नाम से मशहूर है। इंशाल्लाह मैं आपको दावत दूँगा, ज़रूर आपको बुलाएंगे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी होगी। सुबह सवेरे साइकिलिंग के लिए निकला था, तकरीबन 6:30 पे मैं घर से निकला, और पैडलिंग करते हुए मैं पहुंचा सफारी पार्क। हर जगह परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। खैर काफ़ी ज़्यादा पैडलिंग करते हुए मैं पहुंचा सफारी पार्क, बीच में रुकते रुकाते वीडियो बनाते हुए लोगों से बात भी की मैंने। खैर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत अच्छा सुकून वाला माहौल होता है, तो बस ऐसे ही साइकिलिंग करते हुए पहुँचे यहाँ पर, अब ज़रा थोड़ी चहलकदमी कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फुटबॉल का मैच चल रहा था, तो जब मैं गया तो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करके जब मैं जाने लगा तो इन्होंने कहा ज़रा सही तरीके से रिकॉर्ड करें, थोड़ा एक्शन दिखाएं। ये है हज़ारा बॉयज़, वी लव फुटबॉल, वी लव HMFC। Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit so sh-
sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling that could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in feelings. I just need a place till my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. अच्छा जी, घूम फिर कर वापस वहीं आ गए हैं जहाँ से हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके ऊपर चलना शुरू किया था, और अब राइड को करते हैं एंड। लेकिन ये साइकिल राइड एंड हो रही है, मैं अभी ये साइकिलिंग करते हुए वापस घर जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, चलें। तो अब घर की तरफ रवानगी है, पैडलिंग कर रहे हैं और थोड़ी देर में घर पहुंच के फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करेंगे। अच्छा जी, जैसे मैंने कहा था साइकिल राइड एंड हो रही है लेकिन वीडियो एंड नहीं हो रही है, तो अभी मैं रवाना हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। और ब्रेकफास्ट वैसे मैं कर चुका था साइकिल राइड से वापस आके, लेकिन दोबारा ब्रेकफास्ट करूँगा मैं, और कहाँ करूँगा तो ये वहीं जाके बताऊँगा मैं आपको। जी भाई, तो एक बज रहा है और अभी भी हलवा पूरी मिल रही है एक जगह पे, बहुत रश है। अब ये कहाँ मिल रही है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जगह भाई पाकिस्तान चौक पर, कराची स्वीट्स, लेकिन हर बंदा इसको जो है ना हाजी साहब की दुकान के नाम से जानता है, हाजी शब्बो की हलवा पूरी मशहूर है यहाँ की। चले चल के नाश्ता करते हैं फिर। आ गई ये तरकारी, हलवा और पूरी। भाई मुझे 3 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते से ज़्यादा ही, तकरीबन 4th हफ्ते होगा मैं डेली आता हूँ और हर इतवार को आता हूँ यहाँ पे। वाहिद ऐसी जगह है जो कि इतवार को 1-2 बजे तक के भी यहाँ पे हलवा पूरी मिलती है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा मैं घर से नाश्ता वगैरह फुल कर कर आता हूँ, लेकिन फिर भी ऑफिस आते आते मेरा मूड बन जाता है कि मैं हलवा पूरी के लिए रुक जाता हूँ। वैसे ये जगह मेरी शाम को समोसे के नाश्ते की थी, लेकिन अब समोसे के साथ साथ हलवा पूरी का भी सिलसिला जुड़ गया यहाँ से। और वीक डेज में 1 बजे तक या 12 बजे तक नहीं मिलती है, सिर्फ संडे इतनी देर तक ही मिलती है। ये मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, जो लोग हलवा पूरी का नाश्ता करने के बाद हलवे को जो है सिर्फ चिकनाई की वजह से छोड़ देते हैं कि वो बहुत ऑयली है, तो इस हलवे को वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे, बस एक दफ़ा टेस्ट करने की देर है। चले हैं वापस ऑफिस के लिए, निकलते हैं वापस के। ऑफिस गए नहीं थे हम तो, घर से निकल के नाश्ता करने रुक गए थे। ऑफिस चलते हैं, सबसे पहले ही पहुँच रहे हैं ऑफिस। थोड़ी सी मोटो ब्लॉगिंग भी हो गई हमारी, मोटो ब्लॉगिंग तो कभी की नहीं मैंने, शॉर्ट है भाई। अब सिचुएशन ये है। अच्छा जी, अब हो रहा है वीडियो का अख्ताम, क्योंकि दिन का भी अख्ताम है, लेकिन मेरा है गेम टाइम, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ गेमिंग, और गेमिंग है फोर्ज़ा होराइज़न। तो जी फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।